Assalamualaikum everyone, this is Saad Muhammad, the Desi Mountaineer, right now doing a brand new vlog. और आज मैं आपसे बात करूंगा about my very recent trip to Dubai and I experienced for the very first time Ski Dubai. अट्ठाईस अगस्त की रात 12 बजे की फ़्लाइट से मैं लाहौर से रवाना हुआ। टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद जहाज़ कैंट और गुलबर्ग के ऊपर से गुजरता हुआ मुल्तान की तरफ बढ़ने लगा और जब चंद घंटे बाद मैंने दोबारा कैमरा ऑन किया तो हम अमारात के ऊपर परवाज कर रहे थे और नीचे ज़मीन का मंजर किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा था। जहाज ने लैंड होने से पहले हवा में कुछ चक्कर लगाए, मुझे लगता है शायद हमारा तैयारा होल्डिंग पैटर्न में था और फिर देखते ही देखते हम समुंदर की लहरों के नज़दीक से होते हुए ज़मीन पर उतर गए। इससे पहले 2012 में मैं आखिरी दफ़ा दुबई आया था। इन 7 सालों में दुबई बहुत बदल गया है, खासकर शेख जायद रोड वाला एरिया देखने से ताल्लुक रखता है। इस शाहराह पर कोई एक भी ऐसी इमारत नहीं है जो मेरी आंख को ना भाई हो। होटल मेरा बर्षा में था और ये मॉल ऑफ एमिरेट्स और स्की दुबई से वॉकिंग डिस्टेंस पर है। अगर मेरा बस चले तो मैं स्की दुबई को दुनिया का 8वां अजूबा करार दे दूं। न सिर्फ ये कि स्की दुबई में आपको तपते सहरा के बीच में बर्फ मिलती है बल्कि 400 मीटर की स्की स्लोप मौजूद है। So hi, this is Saad Muhammad, the Desi Mountaineer, right now in Ski Dubai, and this is quite an awesome place, quite an awesome place. So the thing is that I haven't skied for quite a few years, so let's see what happens. क्योंकि मैंने काफी अरसे से स्कीइंग नहीं की, ये डर था कि शायद मैं सब कुछ भूल ही ना गया हूँ। तो पहले मैं स्लोप के बीच में उतरा आधे रास्ते में ताकि मैं हालात का जायजा ले सकूं। पहले चक्कर में जब मैं गिरे बगैर कंट्रोल के साथ फिसलने लगा तो मेरी बहुत हिम्मत बढ़ी। मुझे बहुत खुशी थी कि इतने सालों के गैप के बाद भी मेरे गिट्टे गोड़े मेरा साथ दे रहे हैं। So guys, the first run went pretty well. I didn't fall.
So that gives me a lot of confidence. So I'm going to go do a few runs and then I'll go maybe to the bigger slope. चार आधे चक्कर लगाकर मैं स्लोप की टॉप पर जा पहुंचा और जब दो एक चक्कर टॉप से नीचे तक लगा लिए तो मैंने सोचा कि अब बटन लिफ्ट को भी आजमाया जाए। जब मैंने पहली दफ़ा मालम जबा में स्कीइंग की तो मुझे ऐसा लगा कि शायद परिंदों को उड़ान भरते हुए इतना ही मज़ा आता होगा, लेकिन फिर जब मैंने 2010 में पैराग्लाइडिंग की तो पता चला कि उड़ान का मज़ा क्या होता है। के बाद जब एंट्री गेट की लाइट सुर्ख हुई और मैं दोबारा स्लोप पर ना जा सका तो मेरे अंदर के शेख को ये तसल्ली थी कि मैं अपने पैसे पूरे कर चुका हूँ। इससे पहले 2012 में मैं आखिरी दफ़ा दुबई आया था। इन 7 सालों में दुबई बहुत बदल गया है, ख़ासकर शेख जायद रोड वाला एरिया देखने से ताल्लुक रखता है। इस शाहराह पर कोई एक भी ऐसी इमारत नहीं है जो मेरी आंख को ना भाई हो। दुबई में मेरा क़याम बहुत मुख्तसर था, लेकिन जो 4 रातें मैंने यहाँ गुजारी इसमें एक नाश्ते और 2 खानों के अलावा मिलने वालों ने मुझे मौका ही नहीं दिया कि मैं कुछ खुद से ख़रीद कर खा लूँ। कुछ नए और बहुत सारे पुराने दोस्तों से मिला। इन शॉर्ट बहुत मज़ा आया।